अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। बेगूसराय में पॉलिथीन के उपयोग पर पूर्णतः प्रतिबंध के बाद भी पॉलिथीन का उपयोग जारी है। ऐसे में लोगों के द्वारा मिल रही शिकायत पर आज नगर निगम की टीम ने सदर SDM के नेतृत्व में पूरे शहर में छापेमारी की। गौरतलब है कि दिसंबर माह से ही पूरे शहर में पॉलिथीन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया था, लेकिन चोरी छिपे अभी भी दुकानदारों के द्वारा पॉलिथीन का उपयोग किया जा रहा था। दुकानदार लोग जो है आ रही थी, पब्लिक की तरफ से भी इसमें जो है थोड़ा सा योगदान जो होना चाहिए वो नहीं मिल रहा था, तो इसलिए हम लोगों ने आवश्यक समझा कि इसमें जो है फिर अभियान चलाया जाए। दो तीन दिन पहले से अभियान चल रहा है, आज विशेष तौर पे अभियान जो है चलाया जा रहा है ताकि इस पर पूर्ण प्रतिबंध जो है लगाया जा सके। और हमारे साथ SDO साहब हैं और नगर निगम की टीम है, हम लोग आज कर रहे हैं और पूरे शहर में आज हम लोग करेंगे और पूरी तरह से इसको बंद करने का प्रयास हम लोग करेंगे, ये लगातार अब जारी रहेगा। इस दौरान दुकानदारों में हड़कंप मचा रहा। दोषी पाए जाने वाले दुकानदारों से जुर्माने की राशि भी वसूली गई। निगम के पदाधिकारियों का कहना है कि अभी छापेमारी का ये दौर लगातार जारी रहेगा और जो भी दोषी पाए जाएंगे उन पर उचित कार्रवाई की जाएगी। बेगूसराय से न्यूज के लिए रोहित कुमार की रिपोर्ट।